रात के 1 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं एक होटल पर। फिर चलते हैं बागेश्वर की तरफ। प्रिय मित्रों, हम बागेश्वर धाम पर नहा धोकर तैयार हुए। हमने रात में सफर किया था 6 बजे से 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर लगभग, तो वहां से हम आ चुके थे। रात में कितने बजे आ गए थे? 1 बजे आ गए थे और 1 से 2 के बीच में व्यवस्था बना ली तो ये वाला रेस्टोरेंट मिला था। इसमें लोग यहाँ पे सोते हैं गद्दों के ऊपर और हम सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं। अब जाते हैं हम बागेश्वर धाम, मतलब कि दर्शन के लिए, और वहाँ क्या हालात हैं और किस प्रकार से दर्शन कर पाएंगे हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आगे तक देखते रहिए। चलते हैं। तो और जेरा नहाने की जगह यहाँ पे हम नहाके तैयार हो गए और जो और लोग भी नहा रहे हैं। और ये जो रास्ता इधर से आ रही है, इसी के द्वारा हम जाएंगे मंदिर के रास्ते, मंदिर को। तो ये लोग सभी जा रहे हैं उधर ही। तो चले रेडी, चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग चंदन मंदिर लगवा के प्रसाद मरसाद लेके चल रहे हैं। तो अब आ गए हैं हम मंदिर के मेन गेट पर और यहाँ से देखो कितने लोग जा रहे हैं। बस यहाँ से शुरू होता है मंदिर का अंदर का सफर। चलते हैं। ये हमारे कुछ साथी हैं, ये भी लगवा रहे हैं, हमने भी लगवा लिया। चलते हैं, ठीक है, लाइक करो एक बार। अब हम पहुंच गए हैं एक प्रकार की भूल भुलैया में। भूल भुलैया से मेरा मतलब है जो पाइप आपको दिख रहे हैं, जिसको ये दादा पकड़े हुए खड़े हैं और ये पाइप मेरे पीछे दिख रहे हैं, इसमें से लोग जा रहे हैं, कोई आ रहा है, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। इसमें निकलने में करीब करीब हमें 2.5 से 3 घंटे लग गया। इसमें घुसे थे हम 6 बजे और लगभग 8:30 बज चुके हैं। इन्हीं पे नारियल बांध जाते हैं कुछ लोग। और ये बिल्डिंग आपको दिख रही है सामने, उसमें बागेश्वर, इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी रामकथा का वाचन करते थे। इसी के आगे से भी एक और गेट है जिससे सीधे जा सकते हैं। बाहर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है जिसमें दुकानें हैं और जिसमें से लोग अपने पसंद की चीज़ें ले जाते हैं। ये रेलिंग टाइप की जो भूल भुलैया सी लगी हुई है, इसमें से निकलकर सीधे मंदिर में जाते हैं। जैसे कि वो पेड़ आपको दिख रहा है, वहाँ से एक टीन सेट टाइप की निकली हुई है, उसमें से अंदर को जाते हैं। और ये पेड़ एक दिख रहा है जिस पर नारियल बंधे हुए हैं, उसमें अपनी मनोकामनाओं के लिए लोग नारियल बांधते हैं। और यहाँ पे लाखों और हजारों की तादाद में लोग और श्रद्धालु इस मंदिर पर पहुँचते हैं। उन्हीं लाखों श्रद्धालुओं में से ये मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब हमें उस पल का इंतजार है जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। हम अब पहुंचने वाले हैं मंदिर की उस तीन साइड के नीचे, जिसमें से होकर मंदिर के लिए मुख्य रास्ता जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं, ये मेरे कुछ मित्रगण हैं। तो आपको ये मंदिर का परिसर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बात मेरे को यहाँ पर अजीब लगी, मंदिर परिसर में पहुँचते ही कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी सी हमारे अंदर आ जाती है और हम पूरे आनंद में हो जाते हैं। अभी हम इसी भीड़ के साथ में ऊपर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनको पार करते हुए मंदिर की तरफ पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली भीतर वीडियो बनाना निषेध है, इसलिए हम आगे की वीडियो नहीं देखा पाएंगे। उनके दिव्य दर्शन के लिए आपको यहाँ तक पहुँचना ही होगा। अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं और बाइक माइक सब रोक रख के खाना खा रहे हैं रास्ते में ढाबे पर। और बागेश्वर धाम सरकार से लौट आए हैं हम, तो लौटने में अभी हम 1 घंटे ही चले हैं, बाकी चलना है हमको भी 5 घंटे, पूरा 300 किलोमीटर जो जाना है। इसीलिए देखते रहिए, दिखाते हैं आगे हम क्या करते हैं। हम लौट आए हैं बागेश्वर धाम सरकार से, बहुत बढ़िया रहा सफ़र। और तुम सब लोग आइए और दर्शन कीजिए। भाई सर्दी बहुत लगती है बाइक पर, इसलिए हाथ मुँह पैक करके चलते हैं हम। और यहाँ से खाना खाने के बाद में हाईवे के किनारे हमें देखी एक बहुत ही अच्छी नर्सरी, उसमें से कुछ विचार हुआ हमारे पौधे लेने के लिए। तो ये भाई साहब बड़े वाले तो वीडियो बनाने लगे होनी फूल और पुष्पों का, और ये बैठ के आराम कर रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा हमारा ये पूरा ब्लॉग? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ से हमने कुछ पौधे भी खरीदे जो हमें अच्छे लगे और अब हमारी बाइकों ने कर लिया है आराम। चलते हैं घर की तरफ। थैंक यू।